आज मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 से 4 प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है और अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, कलौंजी 1/2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल करके हम एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें चम्मच की मदद से कुछ इस तरह से हम मिक्सचर को डालेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर आप हल्का सा चाट मसाला छींक करके इसको गर्म गर्म चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।